बस ये दूसरा पराठा ही बन चुका है। अब जो है मैं चाय और बस पापड़ी वगैरह मेरी बेटी तो नहीं खा गया था तो वो मैं निकालती हूँ, नाश्ते भी मिलते हैं। बस तकरीबन 11 बज चुके हैं, लाइट जा चुकी है। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता बच्चों के साथ, अब नाश्ता करेंगे तो बस पेट रात मेरा पराठा ही खाता है तो बाकी दोबारा रोटी है। और आइए आप लोग भी नाश्ता कीजिए। शाम हो गई है, अब बनाए सैंडविच बनाए अंडे के, तो सैंडविच खा रहे हैं। आज जो है चाय कॉफ़ी नहीं खाने किसी को, बस सैंडविच बनानी है। इसके बाद पकाऊंगी, पकाने में आज मैं पालक लेकर आई थी तो अभी मैं साफ़ करूंगी। अभी तो सैंडविच खा रहे हैं, आप भी आइए खाइए। छोटा सा अलादीन बना हुआ है, मतलब ये कभी होगा यहाँ पे प्ले। बस अब हम जा रहे हैं ग्रीन बस की लिफ्ट के अंदर। अभी बटन दबाया है, बस खुली गई है। अब हम लोग लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। बस अब ये थोड़ी देर में जो है हम बाहर होंगे। देखिए मेरा बेटा मेरी तस्वीर ही खींचने में लगा रहता है। बस अब हम निकल चुके हैं लिफ्ट से बाहर, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और यहाँ से मैं बनाती भी जाऊँगी। बस अब हमारा घर आने ही वाला है, थोड़े फासले पर रह गया है। बस गली में पहुँच चुके हैं और क्या कहते हैं, करीबी है। बस काफ़ी टाइम भी हो गया, दोपहर से शाम हो गई, दोपहर में निकले थे हम लोग, मगर धूप जो है काफ़ी जा चुकी है। अभी भी है क्योंकि यहाँ दरख्त इतने कम है ना, तो धूप ज़्यादा होती है। पानी रख के तकरीबन 2 बज रहे हैं, पानी भूल गई थी बॉयल करना, तो पानी बॉयल हो रहा है पीने का। इधर मैंने मेरे हस्बैंड चिकन लाए थे, तो चिकन जो है उसको मैंने धो लिया है। फ्रिज तो हमारे यहाँ है नहीं, तो मैं इसको बॉयल करके रखूँगी, जाहिर सी बात है सुबह बनाऊँगी। रात के 2 बज रहे हैं, बस ये काम ख़त्म करके फिर मैं देखें वीडियो का। बस चिकन बॉईल हो गई है, आखिर को चिकन बॉईल होते होते 3 बज चुके हैं। उठेंगे मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो बस चूल्हा थोड़ी 5 मिनट बाद बंद करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी फैमिली को, और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और बस ये ब्लॉग तो मेरा कल का था, बस मैं रात को मैं कही थी ना, मैं लेट हो गई थी तो मैं सो गई, तो मैंने कहा बस अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, मैंने कहा अपनी वीडियो को एंड करूँ क्योंकि बस आपको मैं कई चीज़ बनाऊँगी। बस मैं ऐसे थोड़ी देर लेटी और सो गई, तो जो थी ना वीडियो चाहिए एडिट भी करनी होती, तो टाइम सुबह हो गई, मतलब मैं आज सब इसको एडिट करूँगी तो सुबह हो गई। तो मैंने कहा बात करनी रह गई थी, आप लोगों से दिखा तो दिया था, तो बस ये कही थी कल जो शर्मा का मैंने देखा ब्लॉग, और क्या कहते हैं सितारा यासिन का, तो मैं रोज़ाना ही देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो कोर्ट गई और उनके हक में फैसला हुआ, तो बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है, तो बस यही है कि इंसान को हमेशा हक और सच पे रहना चाहिए और बोलना भी चाहिए। मतलब ये है कि मैं किसी के मामले में इतना नहीं बोलती, मगर तो यही वाली बात है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल दुनिया आपके मामले में भी नहीं बोलेगी। तो हक और सच जो है वो इंसान को बोलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं तो उनकी सपोर्टर्स में हूँ, और मतलब जो है सलमान ने जितना भी दोनों हस्बैंड और वाइफ वो कर रहे हैं, अपनी सगी बहन है कौन वही आजकल मैं मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, नहीं तो माँ बहन है सगी, बस ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। उनकी अम्मी जो है उनके साथ खड़ी हैं, मतलब मेरी तो माँ भी मेरे साथ में खड़ी है, मेरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है, उन्होंने जो उनको बनाया वो ही है। बहुत अच्छा लगा कि उनकी माँ उनके साथ हैं, अब वो यहाँ रहने आएंगी, और क्या कहते हैं आज फैसला उनके हक में आया, इंशाल्लाह वो साबित कदम रहेंगी।
और झूठे का मुंह वही वाली बातें सादा ही होना है। तो ये दोनों में अभी भी जितनी भी कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती। चलो उनको नहीं आती तो उनके हस्बैंड को भी शर्म नहीं आती कि वो किस तरह से अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं या फिर अपनी बीवी को चुप करके बैठाएँ या बोलें किस तरह से टीचर और खानदान को उछाल देंगे। बस यही है कि गलत लोगों से तो आप बिल्कुल भी, सबसे बड़ा फैक्ट ही तो बस यही है। क्या कहते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि सितारा पे जितने भी एग्ज़ाम लगे देखें आज भी उसे हो गए हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। मैं उनके साथ ही हूँ, उनके साथ बहुत गलत हुआ, मतलब जो है गलत के साथ या अगर गलत होता तो आप बोलें, अक्सर लोग चुप रहते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोलना चाहेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो कल आपके साथ गलत होगा, कोई आपके साथ ही बोलने वाला नहीं होगा। बस यही है, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं गलत हुई थी तो मैं जो था ना, बस मैंने ये सोचा मैं अभी बोलती हूँ, बात करती हूँ, फिर मैं इतनी जा रही थी बस सही थी कि मेरे हस्बैंड अभी जा चुके हैं। बस मैंने अपने डिटेल भी उसको एडिट भी करना है, बस अभी थोड़ी ही देर में लाइट भी चाहिए जाएगी, बच्चे तो खैर सो रहे हैं, अभी मैं उठाती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊँगी। बस यहीं पे इसी ब्लॉग के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ईमान दे, सेहत दे, हमारे बरकत दें और मेरी भी दुआ करें और कमेंट्स और शेयर जरूर लाइक्स कर दिया करें। और क्या कहते हैं, बस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।